हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिलेक्टर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कैसे वॉच टाइम कंप्लीट करें, सब्सक्राइबर अच्छा खासा गेन करें और कैसे व्यू पाएं। और आप लोग मन में ये डाउट जरूर होता होगा कि आप मेरे चैनल को वीडियो जो है दूसरे लोगों के पास नहीं पहुंच रहे, बहुत लोग नहीं देख पा रहे हैं, वॉच टाइम नहीं कंप्लीट हो रहा है, सब्सक्राइबर नहीं प्राप्त हो रहे हैं, यानी पा रहे हैं। तो सारे के मन में यही डाउट होते रहते हैं। तो दोस्तों, मैं भी यही ट्रिक है, मुझे भी पहले यही था कि मेरा भी सब्सक्राइबर भाई क्यों नहीं ज़्यादा हो रहा है, क्यों वॉच टाइम फास्ट नहीं, यानी अच्छा खासा से जल्दी ही क्यों नहीं वॉच टाइम मेरा कंप्लीट हो रहा है, 4000 घंटों वॉच टाइम कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है और क्यों नहीं सब्सक्राइबर मेरा जल्दी कंप्लीट हो पा रहा है। तो सारे यूट्यूबर्स के मन में यही सवाल होते हैं कि कैसे और किस प्रकार से मैं वॉच टाइम को कंप्लीट करूं बहुत ही कम समय में। तो इस वीडियो को पूरी लास्ट तरह से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगी कि कैसे और किस प्रकार से वॉच टाइम को कंप्लीट करते हैं। तो अगर वीडियो को स्टार्ट करने से मैं पहले यही बात एक बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो यहाँ पे रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब कर और वहाँ पर जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी मैं अपने वीडियोस बनाता रहूँगा तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी और आपका चैनल भी ग्रो अच्छा खासा से इस वाले टिप से आपको हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आपका सब्सक्राइबर 1K हो चुका है, आपका सब्सक्राइबर कितना 1K हो जाए, यानी 1000 सब्सक्राइबर आपका हो चुका है और वॉच टाइम आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या करना होगा आपको, मैं सबसे पहले बात बता देना चाहता हूं कि आपको संडे के संडे हफ्ते में एक बार, क्या एक बार संडे के संडे आपको क्या करना होगा, आपको लाइव में आना होगा, यानी अपने चैनल से लाइव करना होगा। इससे क्या होगा कि अगर आप लाइव करते हैं तो बहुत मतलब बंदे आएंगे, बहुत सारे बंदे नहीं भी आएंगे, एक दो स्टार्टिंग एक ही है, दो ही है, तो इससे क्या होगा वो आपके लास्ट तक जितना भी आप लाइव कीजिएगा, 2 घंटा 1 घंटा आधा घंटा उतना कीजिएगा, तो हर वीक जो क्या होगा आपका जो वॉच टाइम है बढ़ेगा, जो भी बढ़ेगा एक बंदा लास्ट तक ही ऐसा कीजिए, ऐसा वीडियो में बताइए जो भी डाउट हो जो भी उसको क्लियर करते जाइए, पहले क्या कीजिए सारा चीज को कम से कम इतना देर तो बंदा देखेगा जितना देरी तक आप लाइव कीजिएगा, ऐसा कीजिए कि वो आपको वीडियोस को लाइव में पूरा देरी तक वो लाइव को आपके ज्वाइन किए रहे। इससे क्या होगा कि आपका वॉच टाइम इस प्रकार से बढ़ने लगेगा। तो क्या होगा कि जैसे कि आप लाइव आते हैं तो क्या होगा कि आपको जो भी आपका चैनल के होम पेज आप बनाए रहे हैं तो आपके सारे के पास पहुंचता रहेगा, आपके पास बहुत सारे लोगों के पास से आपका चैनल पहुंचेगा वहां पे लाइव पर। ये मत सोचिएगा कि मेरे को एक बंदे दो बंदे देख रहे हैं, इससे कोई आपको मतलब कि नहीं ये करना है कि मेरे को एक बंदे देख रहे हैं, भाई एक बंदे तो देख रहे हैं आपके, तो आपको उससे क्या होगा कि आंसर क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पूछते रहेंगे, आप आंसर देते रहिए, तो इस प्रकार से आपके साथ होता रहेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बहुत कम बंदे आते हैं, बहुत कम लोग आते हैं आपके चैनल को विजिट करते हैं, बट इससे क्या होता है कि आपका कम से कम 1 घंटा कीजिएगा तो उतना तो आपका लाइव का जो आपका ज्वाइन किए हुए रहेंगे उस वाले बंदे तो आपको क्या होगा कि आपका वॉच टाइम वैसे इंक्रीज होगा। वैसे मान लीजिए कोई बंदा आया, सब्सक्राइब कर दिया, लाइक्स कर दिया और यहाँ से आपका व्यूज भी मिल गया, वॉच टाइम भी मिल गया, ये कहता है, ये कौन कहता है कि ये वॉच टाइम कंप्लीट ये नहीं गेम होता है तो इसको नहीं काउंट किया जाता है, ये लाइव वाले वॉच टाइम को वहां पे काउंट किया जाता है। जैसे कि आपका चैनल मोनेटाइज के लिए जब जाता है रिव्यू में तो उस समय इसका भी ऐड किया जाता है, ये भी वॉच टाइम को ऐड किया जाता है। तो क्या कीजिए, मैं आपको एक ही एडवाइस देना चाहता हूं, अगर आपको चैनल के वॉच टाइम और सब्सक्राइबर को गेन करना है तो आप क्या कीजिए कि हफ्ते में हर वीक कम से कम हर वीक क्या कीजिए कि आप लाइव आइए तो जरूर से जो भी बंदे आपके फेस को देखेंगे तो जरूर से जरूर आएंगे। इससे क्या होगा कि आपके चैनल पर जैसे ही विजिट करेंगे तो आपसे क्वेश्चन आंसर कुछ भी क्वेश्चन करते रहेंगे तो आप उसका रिप्लाई दीजिए, जो भी चीज़ आपको करने में बने हो सके तो हो सके, जितना चाहे हेल्प कर सके अपने जो भी यूट्यूबर्स आपके चैनल पर आते हैं तो और भी अच्छा बात है, यूट्यूबर्स आते हैं तो और भी अच्छा बात है, उनको हेल्प कीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो भी आपको वॉच टाइम मिलेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो हर वीक कम से कम लाइव आप जरूर किया कीजिए, इससे आपका सब्सक्राइबर भी बढ़ेगा, वॉच टाइम तो एकदम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि मैं भी यही काम करता था, वॉच टाइम बढ़ा, लाइव भी करता था तो मेरा वॉच टाइम उससे भी बढ़ा। तो क्या कीजिए, हर वीक कम से कम हर वीक अगर आपका चैनल स्टार्टिंग में 1K पार हो चुका है सब्सक्राइबर तो आप कीजिए हर वीक में अपना चैनल को लाइव कीजिए, चैनल पे लाइव कीजिए, इससे आपका वॉच टाइम जरूर इंक्रीज होगा। तो अगर यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, तो आपका जरूर चैनल ग्रो होगा, वॉच टाइम कंप्लीट होगा। ऑल द बेस्ट।